नमस्कार, एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं मीडिया में सबसे चर्चित चेहरों की। आजकल जो सबसे ज्यादा चर्चित चेहरा नजर आ रहा है वो प्रज्ञा सिंह ठाकुर का है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर है कौन? सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर है क्या, उनके पीछे की कहानी क्या है और वो किस तरह से जेल और अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों से मेल खा रही है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर का जन्म 2 फरवरी 1970 में हुआ था मध्य प्रदेश में। उनके पिता जिनका नाम चंद्रपाल सिंह था वो एक मध्य प्रदेश के भिंडी इलाके के एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। वह अक्सर आयुर्वेदिक गतिविधियों से और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करते थे। प्रज्ञा उसी परिवार में पढ़ी लिखी और उन्होंने कई तबकों की शिक्षा भी प्राप्त करी। वह खुद अपने कॉलेज की एक बहुत ही अच्छी लीडर भी साबित हुई थी। वह अपने कॉलेज में चल रहे कई तरह के एक्ट की लीडर भी रही है जिन्होंने उन्हें बहुत अच्छा निर्देशक करके अवार्ड भी मिले हैं। वह एजुकेशन की बात करें तो वह अपनी एजुकेशन को भी पीछे उन्होंने नहीं छोड़ा है। उन्होंने अपने इतिहासकार में इतिहास की सबसे अच्छी टिप्पणी करी है और जिसका अच्छे से ज्ञान भी लिया है, तो वह एक अच्छे इतिहासकार भी हैं। साथ ही उन्होंने कई तरह की एक्ट गतिविधियों का भी साथ दिया है, जैसे कि विद्यार्थी संगठन। विद्यार्थी संगठन क्या है? ये एक ऐसा संगठन है जिसमें विद्यार्थियों की कई सारी समस्याओं का समाधान किया जाता है। शुरुआत में इसमें ज्यादा लोग शामिल नहीं थे लेकिन आज ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण संगठन है। ना सिर्फ भारत का बल्कि इसे विश्व का सबसे बड़ा विद्यार्थी संगठन माना जाता है। इस विद्यार्थी संगठन की शुरुआत 49 में हुई थी जिसके बाद आज ये विश्व का नंबर 1 विद्यार्थी संगठन बन चुका है और उसमें कई सारे लोग भी जुड़े हैं। इसके साथ साथ उन्होंने और भी कई गतिविधियों को अपने साथ रखा। उन्होंने अपने परिवार की परंपराओं के पे चलते चलते एक तौर पर आके उनसे भी संन्यास ले लिया था। कहने को तो वो बहुत ही अच्छी ज्ञानी थी लेकिन उसके बाद भी उनके अंदर एक ऐसी लीडरनेस थी जिसे कई लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है। उन्होंने कई जगहों पे औरतों के लिए भी एक संगठन बनाया है जो कि विश्व का सबसे महत्वपूर्ण संगठन है जिसमें आज ना सिर्फ औरतें बल्कि मर्द भी शामिल हैं। यह एक ऐसा संगठन है जहाँ पे औरतों को पुरानी कुरीतियों से उभारा जाता है तथा उन्हें अपने हक व महत्व की बातें समझा के उनके हक और उनके वजूद से सामना करवाया जाता है और साथ ही इसी को लेके उन्होंने और भी कई संगठन बनाए हैं। साथ ही इसी तरह से चलते चलते कई गतिविधियों में उनका नाम खराब भी हुआ है। मेलगांव में हुए बम अटैक में उनका नाम सबसे ऊपर आया है। इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि उस वारदात में उनकी बाइक मिली है जिसपे विस्फोटक बंधा हुआ था जिसके तहत उन्हें जेल भी हुई थी। ये हमला 2008 में हुआ था जिसके तहत वे काफी बदनाम भी हुई थी लेकिन कुछ समय बाद किसी तरह से वह जेल से जमानत पे बाहर निकल आई और साथ में वह बीजेपी से भी जुड़ी। बीजेपी में भले उन्हें किसी के साथ की जरूरत थी आगे बढ़ने के लिए लेकिन फिर भी वो इसमें शामिल हो गई। अब उनके मामले में 2017 में बदलाव देखने में नजर आया है। उनसे वो सारे मामले हटा के उन्हें आतंकवाद के ऊपर इस केस में 2017 में बदलाव आया है। मेलगांव के अटैक में प्रज्ञा को उस केस को बदली कर दी गई है, उसे एक दूसरे तबके में केस में डाल दिया गया है जिसमें आज भी प्रज्ञा सफर कर रही है लेकिन उनके ब्रेन में हो रहे बीमारियों की वजह से और उनके शरीर की असमर्थता की वजह से जमानत भी मिल गई है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।